अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह आवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम। कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा था कि कानी मछली का प्राकृतिक आवास कुटुम्बसर गुफा है। उसी अध्याय में आपने कई और जीवों के प्राकृतिक आवास के बारे में भी जाना था। किसी भी जीव के लिए आवास बहुत महत्वपूर्ण होता है। आवास के जैविक और अजैविक घटकों से जीवों का अंतर संबंध होता है, जो उनके जीवन को प्रभावित करता है। जीवों का विकास अध्याय में हमने पढ़ा कि अक्सर आवास में घटकों से अंतर संबंध के फलस्वरूप विविध जीवों का अनुकूलन विविध प्रकार से होता है। अनुकूलित जीवों की आबादी बढ़ती रहती है और इसका असर अन्य जीवों की आबादी पर पड़ता है। आइए विभिन्न जीवों उनके आवास और अजैविक घटकों के बीच के अंतर संबंधों का अध्ययन करने के लिए एक गतिविधि करते हैं।